अच्छा, कई प्रकार के श्राद्ध भी ऐसे होते हैं जो कि हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं, इनका क्या महत्व है, आइए ये भी जानने की कोशिश करते हैं। पंडित जी, क्या बताया गया है शास्त्रों में हमारे, कितने प्रकार के? देखो, भविष्य पुराण में श्राद्ध के 12 प्रकार बताए गए हैं। ये है पहला नित्य, दूसरा नैमित्तिक, तीसरा काम्य, चौथा वृद्धि, पांचवां सपिंडन, छठवां पारणव, सातवां गोष्ठी, आठवां शुद्ध्यर्थ, नौवां कर्मांग, दसवां दैविक और ग्यारहवां यात्रार्थ और बारहवां पुष्ट्यर्थ। अब मैं आपको इसके विस्तार के बारे में बताता हूँ। नित्य श्राद्ध माने कोई भी व्यक्ति अन्न, धन, जल, दूध, कुशा, फूल और फल से हर दिन पितरों को प्रसन्न करे तो उसे नित्य श्राद्ध कहते हैं। सिर्फ जल से ही इस श्राद्ध को संपन्न किया जा सकता है। हर रोज गाय के लिए भोजन का पहला हिस्सा निकालना नित्य श्राद्ध का अंग है। नैमित्तिक श्राद्ध पितृपक्ष में किया जाने वाला श्राद्ध नैमित्तिक श्राद्ध कहलाता है, यानी मृत पितरों की मृत्यु तिथि पर ही ये श्राद्ध किया जाता है। काम्य श्राद्ध किसी विशेष कामना की पूर्ति के लिए किया गया श्राद्ध काम्य श्राद्ध कहलाता है। वृद्धि श्राद्ध सौभाग्य की वृद्धि के लिए किया जाने वाला श्राद्ध वृद्धि श्राद्ध कहलाता है। ये घर में किसी विवाह या विशेष अवसर पर पितरों का आशीर्वाद लेने के लिए किया जाता है। आपको पता है विवाह में भी श्राद्ध किया जाता है? अगर नहीं पता है तो आप जान लीजिए, वर हो या कन्या, विवाह के पहले नांदी मुख श्राद्ध होता है और नांदी मुख श्राद्ध में एक मिट्टी के करवे में चावल को मतलब कि अभिमंत्रित करके पितरों का आवाहन किया जाता है और उस करवे को दूसरे करवे से ढक करके उड़द के दाल की पीठी से उसको बंद किया जाता है। और जब विवाह के लिए मंडप में वर कन्या इकट्ठा होते हैं तब उस पितरों के बंद हुए ढक्कन को खोल दिया जाता है। नांदी मुख श्राद्ध उसमें भी किया जाता है। सपिंडन श्राद्ध जो है वो मृत व्यक्ति के 12वें दिन करने पर सपिंडन श्राद्ध होता है। उस दिन गणेश गौरी की पूजा होती है और गणेश गौरी को जब हल्दी चढ़ जाती है तब उस दिन से परिवार के लोग जो है वो जो असौच लगा होता है उससे मुक्त हो जाते हैं। 12वें दिन के बाद ये सपिंडन कर्म के बाद आपके घर दूसरे लोग भी जल ग्रहण कर सकते हैं। और पार्वण श्राद्ध पिता, दादा, परदादा, दादी, परदादी के लिए किया जाने वाला पार्वण श्राद्ध कहलाता है। इसमें दो विश्वदेवा की पूजा भी की जाती है। और गोष्ठी श्राद्ध जब परिवार के सभी लोग एक साथ होकर श्राद्ध करते हैं तो इसे गोष्ठी श्राद्ध कहते हैं। कर्मांग श्राद्ध किसी संस्कार के अवसर पर किया जाता है। शुद्ध्यर्थ शास्त्र परिवार की शुद्धता के लिए किया जाता है। तीर्थ श्राद्ध तीर्थ में जाने पर किया जाता है। यात्रार्थ श्राद्ध यात्रा की सफलता के लिए किया जाता है। पुष्ट्यर्थ श्राद्ध अच्छे स्वास्थ्य, परिवार सुख समृद्धि और कारोबार के लिए किया जाता है। त्रयोदशी तिथि, मघा नक्षत्र, वर्षा ऋतु, आश्विन मास में, कृष्ण पक्ष में ये श्राद्ध किया जाता है। जय माँ विंध्यवासिनी।